Assalamu alaikum. My name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह अमना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. माशाल्लाह यू वेयरिंग रेड. जी इससे ज्यादा लाल मैं पहन नहीं सकती. इससे ज्यादा लाल लाल मेरे दिल का हाल हो नहीं सकती. जी हो नहीं सकता था. और साथ में आपने एक पिंक रिबन भी लगाया है इन लियू ऑफ ब्रेस्ट अवेयरनेस. इट्स अक्टूबर व्हिच इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं इससे पहले कि हम हॉट बाइट्स शुरू करें, मैं थोड़ा सा एक सोशल सर्विस मैसेज भी दे दूँ सब खवातीन के लिए. ऑल लेडीज, गर्ल्स, वुमेन हु आर वॉचिंग, बाय द वे ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन मैन, बट फॉर वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ वन इन एवरी 9 वुमेन इन पाकिस्तान इज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर. इट्स क्योरेबल इन अर्ली स्टेजेस. When women neglect themselves and ignore the situation, it gets worse and gets to a stage where it is incurable. Lekin self-administered checkups, mammograms, aur thodi si vigilance rakhein, aur prevention is better than cure. Ji. Ji. Thank you very much, Amna, for that message. Agar ek cause ke liye, ek cheez ke liye pura ek mahina dedicate kiya gaya hai internationally, iske bare mein awareness बहुत ज़रूरी है और फैलाई जा रही है. और पाकिस्तान में भी अगर आप अक्टूबर के महीने में किसी को कॉल करते हैं जी, इवन रिंग टोन में भी ये मैसेज आता है, जैसे कोविड के टाइम पे कोविड रिलेटेड. इसका आप एक तरह से शायद करेक्ट में आमना इफ़ आई एम रॉन्ग, शायद बहुत सारे केसेस में रूरल एरियाज में ख्वातीन अवेयर भी ना हो जी कि ये क्या है जी, ये किस नौयत की बीमारी है जी. सो इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम इसके बारे में जितनी अवेयरनेस फैला सके हम फैलाएं. एब्सोल्युटली अपने इर्द गिर्द की खवातीन. और वही बात है, नॉट एवरी वुमन, नॉट मेनी वुमन आर कंफर्टेबल गोइंग फॉर मैमोग्राम्स और चेकअप्स, बट यू कैन चेक योरसेल्फ एंड इफ देयर इज, इफ यू फाइंड अ लंप इन योर चेस्ट, गेट इट चेक्ड आउट. आई मीन इट्स जस्ट नो, इग्नोरिंग इट विल नॉट मेक इट गो अवे. Ignoring it will not make it go away. That's the key. Never ignore health related any issues in general. बिल्कुल. जी आमना. जी. कैसे गुजरे आपके दो दिन मेरे बगैर? क्या आप कहाँ थे? मैं मिला नहीं ना आपसे. लगा ही नहीं कि आप नहीं मिले. अभी तो कल मिले थे यार हसन. क्या हो गया है? हाँ वैसे हम कल क्या हो गया हसन? अभी कल ही हमने रिव्यू किया है. What's wrong with you? Alright. That's true. कोई बात. That's true. ऐसा लगा. मैं आपके घर से घर अपने चला जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी सदियां बीत गई हैं. बस ये आपका प्यार है क्या आमना से मिले हुए? सो क्योंकि आमना और मुझे मिले लिटरली मतलब कोई आई थिंक 24 घंटे हुए हैं. इन 24 घंटों में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं कि जिसके बारे में मजीद हम इंट्रो में, पहले भी नहीं हुआ था कुछ ऐसा खास, इंट्रो में हम बात करें जी. तो मेरे ख्याल में हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जी. दो देखा जाए तो दो टॉपिक्स है हमारे पास. अच्छा क्या? अच्छा क्या, कौन से? चलो बैठ जाते हैं. ये लोग, इनको पता नहीं होता कि इन्होंने क्या बात करी जी. एक टॉपिक तो हम पिछले हफ्ते हुई थी एक कॉन्वर्सेशन, लेकिन हमने उसके ऊपर बात नहीं की. अब हमें लगा कि शायद करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ी सी वो ज्यादा उसके बारे में एक डिबेट और आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया. वो था मनीजा अहमद साहबा का एक कॉमेंट जो उन्होंने नुमान एजाज साहब के शो पे किया रिगार्डिंग सोशल मीडिया फॉलोइंग ऑफ सर्टन एक्टर्स जी. उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन हमें पता है कि नुमान एजाज साहब ने बर्डन किया और उन्होंने नाम ले लिया और आयजा खान के बारे में बात हो रही थी. तो उस एक कॉमेंट के ऊपर हम बात करेंगे. उससे रिलेटेड एक ऑब्वियसली लार्जर कॉन्वर्सेशन है, और हम पहले उस टॉपिक के ऊपर बात कर भी चुके हैं कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का कोई मकसद होना चाहिए, मकसद है, और अगर मकसद होना चाहिए तो क्या मकसद होना चाहिए. ठीक है. तो उसके ऊपर थोड़ी सी और एक और बार गुफ्तगू कर लेंगे. ठीक है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे और आमना को लगा कि हमें बात करनी चाहिए, अब्दुल्ला कुरैशी जो कि एक सिंगर हैं उन्होंने अनाउंस किया दैट ही इज नो लॉन्गर गोइंग टू रिमेन अ सिंगर और गोइंग टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. और उन्होंने उस हवाले से अपनी एक स्टेटमेंट जारी की जिसके ऊपर से कुछ रिएक्शंस आए, जिनके ऊपर मुझे और आमना को लगा कि वुड लाइक टू शेयर आवर टू सेंस जी. तो बाय एंड लार्ज ये दो टॉपिक्स हैं. अगर और कोई आमना जी कोई टॉपिक नहीं, बेसिकली यही है. इट्स बीन अ क्वाइट वीक. इट्स बीन अ क्वाइट वीक अदरवाइज, बट ये दो टॉपिक इन इटसेल्फ आई थिंक हॉट बाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगर आप इन दो इंसिडेंट्स को इन आइसोलेशन देखें तो शायद आपको लगे कि हाँ ठीक है होता है, बट आई थिंक जो मुझे और आमना हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि जो
जो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके या शो बिज को लेके ये जो दोनों बातें हैं उनकी क्या रेलेवेंस हो सकती है? तो मैं और आमना उसके ऊपर आते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कहीं जाइएगा मत। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आमना आप बताएं, मैं तो आपको फॉलो करता हूँ, आप बताएं कहाँ से आप पहला टॉपिक आपने क्या बोला? पहला टॉपिक मैंने बोला जी विनीजा अहमद उर्फ विनी जी, हम उन्हें विनी कह सकते हैं? नहीं, उनको नहीं पसंद कि उनको विनी कहा जाए। अच्छा जी, ओह रियली? जी जी जी, जब वो उन्होंने मॉडलिंग छोड़ी और वो टेलीविजन की तरफ आई तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की सबसे कि मुझे विनीजा कहें, विनी मत कहें। इसकी उन्होंने वजह खास बताई? नहीं। क्या वजह? नहीं, उसकी वजह उन्होंने नहीं बताई, मेरे ख्याल है वो उनका मॉडल नेम था, बट शी वांटेड मे बी इट टू साउंड मोर सीरियस, एंड विनी वाज लाइक अ निकनेम, सो शी डिडंट वांट पीपल टू एड्रेस हर विद हर निकनेम। तो उन्होंने कहा कि मुझे विनीजा ही कहा जाए, मेरा नाम विनीजा है। फेयर एनफ। तो मैंने वो इंटरव्यू देखा जी, जो नुमान एजाज साहब का जो शो है जी सरकार, उस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो है वो। हर शो कंट्रोवर्शियल, मतलब हमारी हॉट बाइट्स के कम से कम 8-10 एपिसोड्स तो डेडिकेट हम करते थे बिटवीन हिम एंड एसएन खान एंड अहमद अली भट्ट। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आती है। हाँ जी, माशाल्लाह। तो इसमें उनका भी है कि सवाल ऐसे होते हैं और प्लस गेस्ट भी हमारे जो हैं वो माशाल्लाह से सब कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये प्रोग्राम जो था, ये एपिसोड, ये था इनके मेहमान अदील हुसैन और विनीजा अहमद। बिल्कुल। और इन दोनों को बुलाया गया था, इनसे सवाल पूछे गए इनकी करियर्स के बारे में, आगे क्या कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है जी। और यहाँ बात आई कि जी सोशल, उन्होंने बात शुरू इस चीज़ से की कि जी आप लोग सोशली नज़र नहीं आते कहीं, अदील हुसैन और विनीजा अहमद। अब विनीजा अहमद लाहौर में रहती हैं, अदील हुसैन कराची में रहते हैं, बहुत सोशली नज़र नहीं आते लेकिन आ जाते हैं फिर भी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अदील को, लेकिन अहमद अली अकबर, तो फिर भी नजर आ जाते हैं। तो इनको कहा गया ये, तो उन्होंने कहा कि हम, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं जा सकते। और फिर सोशल प्रेजेंस से बात आई सोशल मीडिया पे, तो उस पर विनीजा ने कहा कि हाँ मैं तो नहीं सुबह उठ के ऐसे ऐसे करके सेल्फी ले सकती। तो उन्होंने थोड़ा सा मिमिक किया और ने कहा मैं आई कांट डू, अंडा क्या खाया, ये क्या खाया, ये क्या खाया। तो मैंने देखा जाके कि लोगों के 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला इन पर्टिकुलर कि मैंने एक एक्ट्रेस को देखा, एक एक्ट्रेस को देखा, हाँ। उसके को 12 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ कि इसकी प्रोफाइल पे है क्या, तो उसकी अपनी तस्वीरें, उनकी अपनी तस्वीरें। इस पॉइंट पे नुमान एजाज साहब ने इंटरजेक्ट किया और बोला, उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने इंटरजेक्ट करके फौरन कहा आयजा खान, दो दफा आयजा खान साहिबा, आयजा खान साहिबा, उन्होंने दो दफा कहा। फिर विनीजा ने यह भी कहा कि मैं तो अपनी तस्वीरें नहीं लगा सकती, मेरा तो अकाउंट भी कोई और हैंडल करता है, मेरी बहन ने बना के दी और मेरी नीस पोस्ट करती है, और मैं लगाऊं भी तो कभी कोई कोट या हदीस या कोई वर्स कुरान की आयत लगा देती हूँ, ये उन्होंने बात कही। तो अदील ने उनसे पूछा कि हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, शी सेड आई डोंट नो, आई डोंट नो। बिल्कुल। तो उन्होंने आयजा का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एक क्लैरिफिकेशन भी दी है। अच्छा जी, ये कौन थी? मेरी yeah, वेरी गुड आमना। आज आमना जी ने अपना होमवर्क जो है, आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रेयर मोमेंट है जिसमें मैंने पूरा किया है उन्होंने। अच्छी है। तो मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ उनके फीड पे। पढ़ के क्या सुना, जब हम चला देंगे तो पढ़ चला दें, फीड पे नहीं है उनके, पढ़े लेकिन ये किसी और का अकाउंट है जहाँ पे उन्होंने कॉपी पेस्ट करके लगाया हुआ था सोशल मीडिया पे, उनकी फीड पे नहीं है। तो आई एम थिंकिंग मे बी उन्होंने स्टोरी लगाई हो। Okay. स्टोरी लग नहीं रही लेकिन फीड पर ही लग रहा है ऐसा। दिखाएं एक सेकंड, ये उनका फीड नहीं, आई थिंक ये उन्होंने कहीं पे कमेंट किया है, सो इट्स अ कमेंट, इट्स अ कमेंट, कमेंट ऑन अ पोस्ट, ठीक है, ठीक है, और उन्हीं का लग रहा है, उन्हीं का लग रहा है। तो उन्होंने इसमें लिखा कि डिसअपॉइंटेड एट द लेवल ऑफ जर्नलिज्म एक्सक्लेमेशन मार्क, आई डिड नॉट रिफर टू आयजा, आई वाज टॉकिंग अबाउट टिकटॉक एट द पॉइंट एंड रिफरिंग टू सम न्यू एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेलिब्रिटी thanks to social media because she had millions of followers that I lack. My point was that someone like me doesn't have the time or inclination to use a medium for self-promotion and was hoping to fully, thoughtfully, no, rightfully use it for enhancing one's life by discussing or engaging in ideas, etc., etc. Time is the most important commodity we have. Once lost, it can never come back. Use it wisely. Unfortunately, people in platforms like yourself sell news and make up controversy for the likes. Likes, on the other hand, are costing you wasted time.
क्वाइट आयरोनिक आई मस्ट से, क्योंकि एक तरफ बात यही हो रही थी कि सोशल मीडिया की क्या वैल्यू है और क्या है, एंड इवेंचुअली उनको सोशल मीडिया के ऊपर ही आके एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ी, अगर उन्होंने दी है, क्योंकि उन्होंने अपने फीड पे नहीं दी। नहीं, ये उनका कमेंट है, कमेंट है उनका। उन्होंने किसी पोस्ट के ऊपर, किसी पोर्टल के पोस्ट के ऊपर कमेंट किया होगा ना, राइट राइट, तो उन्होंने वो कमेंट, जिसने, इसका मतलब है प्रेजेंट तो है वो सोशल मीडिया पे। हाँ, वो तो उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं खुद, मैंने बनाया ना, कि मैं नहीं करती, उन्होंने कहा कि अगर मैं करूँ भी तो मैं आयत या कोट शेयर कर देती, कोट शेयर कर देती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, नहीं बट बट द थिंग इज नाउ यू सी इसकी जो डायनामिक है वो ये कि अगर आपको कोई चीज क्लैरिफाई करनी पड़ी तो आप सोशल मीडिया पे ही आगे क्लैरिफिकेशन दे रहे ना, तो इतना भी आपको सोशल मीडिया को इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि यार के ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई खुदा ना खासा अजाब है ये। अच्छा, अब जो वो बात कर रही हैं कि पीपल आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक इररिस्पॉन्सिबल, उसका भी एक फैसेट है, वो है, वी हम भी ये बात कर चुके हैं, बट द पॉइंट इज दैट सोशल मीडिया हैज ऑल्सो गिवन लाइवलीहुड टू सो मेनी पीपल, it has financially made so many people independent, logon ko yaar different, it's not just trivial, it can't be trivialized anymore, you cannot trivialize people on social media anymore, right? Of course, but I'm not, ji please kahiye, ha, whether it's in TikTok or it's Instagram or it's Twitter or it's Facebook, you cannot trivialize these things anymore, this is a social media revolution that we're witnessing these days. Of course usme bahut sara content bilkul crap hota hai, उसमें बहुत सारा कंटेंट प्रमोशनल होता है, उसमें बहुत सारा कंटेंट कंस्ट्रक्टिव भी होता है और हेल्पफुल भी होता है, जितना पॉलिटिकल डिस्कोर्स ट्विटर पे होता है, यू नो ईरान में जो कुछ हो रहा है या अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग था ही सोशल मीडिया पे, एग्जैक्टली, यू कांट ट्रिवियलाइज इट, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया की वजह से, यूएन क्राई की वजह से इंसाफ मिला है बड़े बिल्कुल, सो व्हाइल आई डोंट कंप्लीटली डिसएग्री विद व्हाट शी वाज सेइंग, आई फाउंड हर टोन टू बी वेरी कंडिसेंडिंग. And that's ironic. मैं correct me if I'm wrong. जी. और आप बेहतर ये बात इस पे assess कर सकेंगे. आपके fashion के साथ बड़े लंबे अरसे से associated हैं. Vanessa herself was a model, right? जी. और during her time there was no social media. No. But there were magazines and जी. newspapers. जी. And I suppose उनके जो भी shoots होते होंगे, जो भी तस्वीरें होती होंगी, वो उनके अपने लिए तो नहीं होती होंगी ना, मॉडल्स की या फोटोग्राफर्स की सबकी, वो उनका मकसद ये होता है कि वो प्रिंट में जाएं कहीं, जी जी बिल्कुल, वो जाएं, वो अखबारों में जाएं, वो मैगजीन्स में जाएं. सोशल मीडिया तब नहीं था, अब है जी. तो अब जो तस्वीरें, अब जो सेलिब्रिटीज जो जो उनके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो वो ना लगाएं अपनी तस्वीरें, वो कहां लगाएंगे? You see what's happened is ke that is your new publication. That is your platform essentially. That is your platform essentially. Nobody is, ek time tha aur hum purane interviews agar aap dekhe bhi actors ke, especially Hollywood or Bollywood ke actors ke, to unko bada intezar hota tha, wo weekly magazine ek jo aana hota tha, wo Stardust agar koi aana hota tha, film fair aana hota tha, Cineblitz hota tha, usme jo ji wo tabloid mein khabar lagi ya nahi lagi aur kya hua, kiska kya hai, uska badi ek value hoti thi, worth hoti thi. बिल्कुल. तो इसी तरह अब वो टाइम अगर गुजर गया, अखबारों वाला टाइम गुजर गया और सोशल मीडिया आ गया है, तो आप कॉन्सेप्ट तो वही है ना, इन प्रिंसिपल तो वही है ना कि खबर इधर से उधर पहुंच रही है, तस्वीर इधर से उधर पहुंच रही है. बिल्कुल. या ये सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये वही बात है कि सिनेमा ऑनर कह के हम डिजिटल कॉन्टेंट को सीरियसली नहीं लेते, नेटफ्लिक्स वाला का क्या फिल्में बना रहे हैं, दबा करो, यू नो. बात वही है, अब एक चीज है उसका इस्तेमाल और एक चीज है उसका मिसयूज. जी. अब मिसयूज आई सपोज मैगजीन्स का भी होता होगा, उस टाइम पे प्लेबॉय आता था, अभी भी पता नहीं आता या नहीं आता. अब कोई बोले यार कि ये मैगजीन जो है ये क्यों निकल रहा है, ठीक है वो आपका एक वो हो सकता है, उसके ऊपर एतराज, आप बोले यार इस तरह की मैगजीन नहीं होनी चाहिए, राइट. अब इसी तरह सोशल मीडिया, इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, अच्छी चीज भी होगी, बुरी चीजें भी होंगी, बुरे प्लेटफॉर्म भी होगी, ट्रोलिंग भी सोशल मीडिया के ऊपर होगी, तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं. बात यहाँ तक आती है कि उन्होंने अगर स्पेसिफिकली आयजा खान का नाम नहीं लिया, आई एग्री विद दैट बिट, उन्होंने नाम नहीं लिया आयजा खान का, नुमान एजाज साहब ने लिया, बट आमना जिस तरह से वो बात कर रही थी, इट इज क्वाइट एविडेंट कि वो बात आयजा खान साहब की कर रही थी. 12 मिलियन फॉलोअर्स या आयजा या इमन है एक्ट्रेस, इमन के 12 मिलियन होंगे, नहीं पता नहीं, देख लेते हैं. 12 मिलियन 13 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो आयजा खान की हैं इंस्टाग्राम पे, और ऐसा लगा नहीं कि वो उस वक्त टिकटॉक की बात करी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप देखें तो ज्यादातर 12-13 मिलियन की फॉलोअर्स की जब बात आती है तो वो आयजा खान की थी. और दूसरा उन्होंने एक्ट्रेस बोला था, ये मुझे बात क्लियरली याद है, उन्होंने ये नहीं बोला था कि टिकटॉक सेलिब्रिटी या
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इस तरह की टर्म उन्होंने, या कंटेंट क्रिएटर नहीं बोला था, उन्होंने एक्ट्रेस बोला था, तो ऑब्वियसली शी वाज टॉकिंग अबाउट आयशा खान. तो ये इवन दो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सारे साइंस और सारे हिंट्स आयशा खान के बारे में. आयशाज फेवर आई लाइक टू से दैट आयशा इज पॉपुलर बिकॉज़ ऑफ हर वर्क. And because of her work, she has the following. And because she has used that following to make a brand of herself and put pictures, it's all correlated. Ayman Khan ke 10.8 million. So wo bhi nahi hai, theek hai. Aur Ayza Khan ke 12.3 million. Theek hai. To phir yaar matlab 1 plus 1 to yahi hai. Yaar yahi hota hai. Acha ab hum pehle bhi aapne ek baar baat ki ke hamare jo celebrities hain, actors hain, actors ke alawa bhi celebrities hain, सोशली कितना या पॉलिटिकली अवेयर उनको कितना होना चाहिए, और जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको उन प्लेटफॉर्म्स को उन्हें किसी कॉज के लिए किस डिग्री तक इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो इस केस में दोबारा आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके यही कहूँगी कि यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हर चीज़ में हो सकता है, बट आई फील दैट दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट. बिकॉज जो फैशन मॉडल थी उसको रिप्लेस कर दिया थोड़ा बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने. अभी आप कैंपेन्स भी देखें तो इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जा रहा है काफ़ी, राइट? और जो आपकी सुपर मॉडल थी उसको उसके साथ साथ चल रही है आपकी एक्टर एक्ट्रेस, और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये सारी इंडस्ट्रीज मर्ज हो गई हैं. वो जो सुपर मॉडल का एरा था वो ख़त्म हो गया है. कौन है आपकी सुपर मॉडल? एक दो आपको मिल जाएगी शायद 5 साल में, एक मुश्किल ही आप कह दें सुपर मॉडल कैटेगरी, अदर देन दैट कोई भी नहीं है, बट दैट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. However, but you've got the Gigi Hadids and the Bella Hadids. That's what I was going to say. You've got the Gigi and the Bella Hadids who are very, very vocal about all kinds of causes, whether it's floods in Pakistan or Iran or, you know, Palestine. They are very vocal. I've seen Vanessa being very vocal about causes, you know, on social media. Maybe I've missed it. But that's what she's saying. She's not very active on social media. Huh. So, I mean, that's a choice and that's fine. And that's fine. If somebody does not want to be active on social media, that's fine. No, but she's saying that people are wasting time. So, they're not just wasting time, they're also creating awareness. Some people may be wasting time, but then there are a lot of people who are creating content. Aiza ki case mein, essentially, she's an actress, right? She's an actress and she's a very good actor. She's and a damn good actor. She is one of the most she's probably the most popular actor in Pakistan at the moment. She's versatile. She's beautiful. बहुत काम वो करती है. Absolutely. Award winning actress है. बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रामे किए हैं. उनको अपना स्किल आता है. अब वो अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने उस इमेज को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करिए, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना गलत करनी है. या क्या 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 कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने कहा ना, क्या कंट्रीब्यूशन है. हाँ, अब आप ये बोले कि यार आयशा खान को कॉजेज के ऊपर भी बात करनी चाहिए. जी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये चॉइस है यार, ये चॉइस है उनकी यार. आई विश के करें. हाँ, करें तो अच्छी बात है कि भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर उनके पास आया, शी इज द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर कॉज को लेके चलती है तो अच्छी बात है. लेकिन नहीं चलती तो अब इसमें बंदा उनको क्या कहे यार, नहीं करें जबरदस्ती गन रख के. So I don't understand that thing. But the thing is कि मैंने notice किया है ज़िंदगी में कि जो लोग कर रहे होते हैं ना चीज़ें काम. हमारा इसके ऊपर पहले क्या perspective था जब हमने hot bites की थी? I think हमने यही बात की थी. यही था, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना वो actually ऐसे comments नहीं देते. ये बात है, जिसमें बेला हदीद है सुपर मॉडल दुनिया की सबसे, वो आई मीन अभी पैरिस फैशन वीक खत्म हुआ है एंड शी वॉज लाइक क्राउंड एज द मॉडल ऑफ पैरिस फैशन वीक, राइट? शी इज फैंटास्टिक ऑन द रनवे, शी इज फैंटास्टिक इन शूज, एक्टिविस्ट भी है हर चीज़. अगर वो एक कल आके कहें कि यू नो यूज़ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस रिस्पॉन्सिबली, तो लोग सुनेंगे उनकी बात. बट वो भी नहीं, वो शी वुड नेवर से इट. पीपल हु आर डूइंग थिंग्स डोंट से थिंग्स. दैट्स माई बीफ विद ऑल दीज पीपल, दैट व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दिस एंड पुट समबडी डाउन. ऑल्सो सोशल मीडिया इज सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड इन इट्स ओन राइट, राइट? एब्सोल्युटली. लाइक हर इंसान, हम अपनी अपनी जिंदगियों में, अब मैं जाके आमना को बोलूँ आमना आप कोई कॉज क्यों नहीं ले रही? नहीं, आप मुझे बोलें कि यार आपने अखबार की नौकरी छोड़ के आप जो है वो यूट्यूबर बन गई हैं. नहीं नहीं, वो तो ठीक है. नहीं, लेकिन तो आप क्या कर रही हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? दैट्स अनफेयर. नहीं, मैं बोलूं कि आप यूट्यूबर हैं और आपकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है, चलें ठीक है, आयशा खान जितनी नहीं है बट अच्छी खासी है. या, I mean, तो आमना आप कोई कॉज क्यों नहीं प्रमोट करती? कर आप जैसे exactly. आज आपने किया, आपने मर्जी से किया, आपको किसी ने कहा नहीं कि आपको लगा आपने कर दिया, ठीक है. आप किसी को आप जबरदस्ती तो नहीं कह सकते ना कि भाई कोई कॉज प्रमोट करो. अब बंदा शाहरुख खान को फोन करके बोले शाहरुख प्लीज कोई कॉज प्रमोट करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो?
बट हाँ, जब कोई बहुत ऐसी चीज होती है, मुल्क में कोई ऐसी चीज होती है, इवन अगर पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलिब्रिटीज उसके ऊपर अपने कोई ना कोई ओपिनियन दें, या अगर कोई खुदा ना खासा सानिया हो गया तो कंडोलेंसेज अपनी शेयर करें. Exactly. या अगर कहीं पे कोई ना इंसाफी हो गई है, कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे उनके आवाज उठाने से बहुत मदद मिल सकती है, तो हाँ वो एक्सपेक्टेशन होती है, होनी भी चाहिए सेलिब्रिटीज के साथ, कि इतने सोशली कॉन्शियस तो आप हो ना, जहाँ पे अल्लाह मियां ने आपको इतनी पावर दी है, इतनी अथॉरिटी दी है, इतनी रीच दी है, कि जहाँ पे इंसाफ को लेके या किसी के साथ यू नो गलत हो रहा है, या कोई सोशल सोसाइटी में कोई ऐसा सोशल इविल आ गया है जिसमें आपकी आवाज उठाने से बहुत हद तक कोई मदद मिल सकती है, आपको जरूर करनी चाहिए. जैसे फ्लड्स के केस में अगर हमारे मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज अगर फ्लड अपील के लिए आएंगे सामने, तो बहुत मदद मिल सकती है, उनको करना चाहिए इस तरह के केस में. इसी तरह अगर, लेकिन जो नहीं कर रहे उन पे बात नहीं बनानी चाहिए. मेरा सिर्फ मसला ये है, माय प्रॉब्लम इज विद आर्टिस्ट. नहीं, हमने इतना तो ठीक है, इतनी एक्सपेक्टेशंस तो हम रख सकते हैं अपने सेलिब्रिटीज के साथ, बड़े पॉपुलर. नहीं, मैं हम रख सकते हैं, हम क्रिटिक्स हैं, हमारा काम है ये करना. आवाम भी करें, मगर एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट पे कॉमेंट करना मुझे कभी भी इन गुड टेस्ट नहीं लगा. मैं ये कह रही हूँ, एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट पे कमेंट करना कभी भी गुड टेस्ट में नहीं होता, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आपका मीडिया आप पे कमेंट करे, आपकी फैंस करें, वो ठीक है, बट आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट पे करना ना इज नेवर. कमेंट करने भी नहीं, टोन की बात है, कंडिसेंड करना, कंडिसेंडिंग तरीके से ये करना कि क्या है वो, भाई वो एक्टर है. उन्होंने कहा कि मैं तो आप कभी भी अपनी गाड़ी की तस्वीर ना लगाऊं, तो अदील ने कहा उस पे कि नहीं, आई डिसएग्री विद यू. अगर किसी ने बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदी है एंड ही वांट्स टू शो पीपल हाउ मच ही इज अचीव्ड, तो लगा दे, तो इसमें क्या हर्ज है. तो मतलब है कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज योर न्यू मीडिया, यही बात. बट अगेन कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे मतलब वजन लूज कर लेते हैं, वो रुकते ही नहीं अपनी तस्वीरें लगाने से, रोज कभी धूप में, कभी लाइट ऑन करके, कभी ऐनक लगा के, कभी ऐनक उतार के, कभी आगे से, कभी पीछे से. अब कोई उनको कहे कि यार ठीक है, और लोग भी वेट लूज करते हैं, लेकिन आप क्यों, बट इट्स फाइन, इट्स देयर प्लेटफॉर्म, जो मर्जी करें. हाँ, है ना, ये बात. अब इसकी एक फ्लिप साइड ये भी है कि जैसे जो लोग अपनी तस्वीरें वेट लूज करने में लगाई जा रहे हैं, तो अगर कोई ये कह रहा है कि यार के बस कर दे, वो उनका भी राइट है ये कहना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान पब्लिक में है, और अगर एक एक्टर हैं जिनके 12.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली इफ शी इज इन पाकिस्तान शी इज द मोस्ट फॉलोअर सेलिब्रिटी, तो अगर कोई उनके ऊपर कॉमेंट कर रहा है, आई थिंक वो भी एक हद तक जायज है कि यार ये यूं क्यों नहीं पोस्ट किया, ये क्यों नहीं पोस्ट किया, वो भी क्यों नहीं पोस्ट किया, एक हद तक जायज है, बट हाँ कॉन्डिसेंडिंग नहीं होना चाहिए. मेरा इशू एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट को कॉन्डिसेंडिंग, आर्टिस्ट भी तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मतलब बड़ी ट्विस्टेड सी एक चीज है, अब इसमें क्या बंदा बात करे, बट एक आर्टिस्ट क्यों नहीं कॉमेंट कर सकता अगर वो समझता है कि अगर, क्योंकि जर्नलिज्म में हमें सिखाया गया था कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं ना, अपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मीडिया में कोई चीज है, कोई बहुत एक इवेंट हुआ है, उसको बहुत सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, तो एज जर्नलिस्ट आर सेल्फ हम बोलेंगे नहीं यार कि इतना सेंसेशनलाइज शायद मीडिया को नहीं करना चाहिए एक चीज को, हमने कोई बुराई तो नहीं की. या बट किसी एक को पिनपॉइंट करके कहना कि ये गलत है, तो अगर कोई एक प्लेटफॉर्म कर रहा है ऐसे, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं बात करूं यार कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है कि यार इस प्लेटफॉर्म को ऐसे नहीं करना, आई वुड नॉट आइडियली लाइक टू. आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है इस मौजू के ऊपर. जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हों वो एक चीज है, वो लोग जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स जिनके बहुत ज्यादा, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ये होना कि आप कम फॉलोअर्स के साथ भी बहुत एक्टिव हो सकते हैं, और एक है कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं. सो इन बोथ केसेस आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को, फॉलोअर्स को, उन आर्टिस्ट से, उन एक्टर से, उन सेलिब्रिटी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? कहीं पे कोई लाइन ड्रॉ होती है या नहीं होती, या बट मत जो भी फॉलोअर है बस वो एक तरह से जो सेलिब्रिटी है वो ओ करता है अपने फॉलोअर को कि भाई क्योंकि अब मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ तो तुम बस मेरी मर्जी से चीजें, और कोई किसी को कुछ और नहीं करता. वकार जका ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं उनको स्नैपचैट पर अक्सर देखता हूँ, तो एक काफी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, एक बात मुझे उनकी अच्छी लगी, ही सेड के मुझे जो बंदा फॉलो कर रहा है वो मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा मुझे फॉलो करके, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूँ जिस वजह से कोई मुझे फॉलो कर रहा है. इट्स लाइक मैंने इतना काम किया, और दूसरे सेलिब्रिटीज का भी ही सेड एक्टर्स वर्क वेरी हार्ड, अदर सेलिब्रिटीज वर्क वेरी हार्ड, क्रिकेटर्स वर्क वेरी हार्ड,
तो जब आप उनको जाकर सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आप इसलिए फॉलो करते हैं कि दे अचीव समथिंग, दे बिल्ड समथिंग। तो आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते कि यार मैं तुम्हारा फॉलोअर हूं, तुम मतलब ये क्या कर रहे हो। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे साथ जरूर शेयर। टॉलरेंस, पीस एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस फॉर अदर्स, टॉलरेंस फॉर अदर्स, दैट इज टॉलरेंस। तो जिस दिन होगी सोसाइटी, टॉलरेंस होनी चाहिए लोगों के लिए। आमना जी, जी अगला हमारा टॉपिक जी जो कि है सेलिब्रिटीज हु हैव लेफ्ट देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस और देयर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर से जी इन द नेम ऑफ रिलीजन जी। बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है और आई थिंक इसकी निटी ग्रिटी में जाए बगैर, जब आपने पहली बार, अभी हमें पता चला पिछले हफ्ते कि अब्दुल्ला कुरैशी जो कि एक सिंगर हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहे जी। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते हैं, सो आई जस्ट वांट टू लेट ऑल द ब्रांड्स नो दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी कैंपेन्स, बट I might still do certain campaigns that I think fall in line with what I believe in. जी. What was your first reaction when you saw that statement? My first reaction was, oh, he's still around, Abdullah. I mean, okay. That was my first reaction because अगर वो ना लगाते, देखें हसन, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये बहुत बहुत जना superficial industry है सारी। कल गया, रात गई, बात गई। You're as good as your last collection, you're as good as your last project, you cannot you know, rest on old laurels. कितनी देर तक आप अपनी past को याद कर करके जिंदा रहेंगे? आप गाने बनाना छोड़ देंगे, चार महीने में यार आपको याद ही नहीं करेगा, nobody will remember who you are. So personally I feel there was no need for that statement. There was no need for that statement. It seemed like a cry for attention. And that statement, and the last part, Can I read it? You want me to read it? Yeah, sure. He said, hello everyone, I know I've been lost since a long time and I've received a ton of messages in this time. Stop. It's not been a long time, actually. I went and I saw his YouTube presence. He was actually on Mashin 3 months ago, doing songs. Okay. 3 months ago, literally. So that's not a long time. Maybe in the scheme of things, in the days of social media, 3 months is a lot. No, it's not. A quarter of a year. No, it's not. Is it? It's not a quarter of a year. Four months is a quarter of a year. Three months is a quarter of a year. I know I've been a ton of messages in the time asking about where I've been. I was on a break. I pressed the pause button for a while and took this time to find who I was, where I'm headed, and who do I want to become. I want to take a moment to announce my exit from the music industry as I've decided to stop doing music as a full-time profession. I took this decision purely because of religious reasons. ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं दोबारा पढ़ूंगा ये पार्ट। आई टुक दिस डिसीजन प्योरली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग म्यूजिक, प्लेइंग कॉन्सर्ट्स फॉर थाउजेंड पीपल, गेटिंग लव्ड एंड अप्रिशिएटेड, फेसिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, मेकिंग सम रॉन्ग डिसीजंस, स्प्रेडिंग सम पॉजिटिविटी, मेकिंग सम अमेजिंग फ्रेंड्स, वर्किंग विद पीपल हु वर माय आइडल्स, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एंड डूइंग व्हाट आई लव डूइंग, बट आई बिलीव दैट द एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ इज वे बिगर देन ऑल ऑफ दिस. And we have very little time in this world to make our afterlife better. Alhamdulillah, I'm satisfied with this decision and I'm on my way to find the real truth. And I pray that Allah makes this new journey easy for me. This means that I will no longer be performing concerts or appearing in the ads anymore. So I would appreciate if I'm not contacted for those. However, if I'm needed for any appearance events, social media campaigns, or work that interests me and falls within the folds of our religion, I'd be happy to do it. Lots of love and prayers to all of you who've supported me over the years. Thank you from the bottom of my heart. Keep in your prayers. जी, क्या कहना चाहेंगे आप ये पढ़ के? मैं over to me? जी, आप मुझसे पूछना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि ये इतना simple नहीं था इनका absence from the public eye. पिछले साल इन पे सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशंस लगी जी, और कहा गया कि इन्होंने कुछ 18 साल की लड़कियों को, बच्चियों को डीएम्स की, बड़े ल्यूड किस्म के और बड़े ही इनअप्रोप्रिएट किस्म के, जो कि स्क्रीनशॉट शेयर भी हुई सोशल मीडिया पे. इन्होंने फिर अपोलोजाइज भी किया. उस वक्त भी इन्होंने एक कार्ड खेला जो था कि नाउ आई एम सो एम्बेरस्ड कि मेरी बेटी क्या. सो ही प्लेड द फादर कार्ड एट दैट टाइम आफ्टर अपोलोजाइजिंग. एंड लोगों ने कहा भी कि ना यू प्लेइंग द डैडी कार्ड, कि मैं बेचारा बाप बन गया हूँ, तो आई रियलाइज कि मैंने कितना गलत किया. तो उसके बाद से ही वॉज अ बिट एवॉल, ही स्टेप बैक अ लिटल बिट. गाने उन्होंने बनाए एक दो उसके बाद भी, बट ही वॉज काइंड ऑफ नॉट इन द मेन पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम.
लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने गाने रिलीज भी किए ओवर द लास्ट वन ईयर, उन्होंने मैशन पे अपीयरेंस भी दी, एड्स में मैंने तो उनको ऐसा देखा भी नहीं है जो वो कह रहे हैं. अब अगर बात यह है कि अगर आपको एडवर्टाइजर्स अप्रोच कर रहे हैं, कितने एडवर्टाइजर्स अप्रोच कर रहे होंगे, लाखों, दो तीन ही कर रहे होंगे ना, आप उनको लिख के भेजते हैं, आठ दस भी कर रहे होंगे, तो आप उनको लिख के भेज दें कि आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड. हाउ डिफिकल्ट इज दैट? ओके, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्टेप बैक एंड से कि मुझे आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री, आप कह दें कि आई एम स्टेपिंग बैक, आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द लाइमलाइट, एंड दैट्स इट. रिलीजियस रीजंस के ना मुझे बहुत एतराज़ है इस चीज़ पे, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डिसएग्री विद मी, बट आई हैव टू से इट. हसन, we are in a country that is divided by religion. kitne sects hain hamare mulk mein sirf, kitne fikke hain jo ki hame unite nahi karte, divide karte hain. uske beech mein aap ek aisa card play kar rahe ho jisme aur mazid divide honge. hum pichle 3 hafton se ye baat kar rahe hain ki hamari entertainment industry already in the dog house hai. log industry ko marasi, kanjar, ye sab kuch kehte hain. uske upar se aapne kaha ki I'm leaving for religious reasons, because maqsad ye hi hona ki this is not religious, this is not allowed, ये मना है सब कुछ. तो फिर आप ये कह रहे हैं indirectly कि जो सब कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं. This is not required at this time. It's not a very responsible statement to make. I just feel, I wish him the best. बड़ी अच्छी बात है अगर उनको लग रहा है कि ये नहीं है इस्लामी और नहीं गाना चाहते, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल मत गाएँ, वो पीछे हट जाएँ और वो अपना करियर पाथ बदल लें, वो मतलब जो भी करना चाहते हैं करें और अल्लाह करे कामयाब रहें. लेकिन जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो आप साथ साथ सबको गंद में डाल देते हैं. उसकी ज़रूरत नहीं है यार, बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन है ऑलरेडी हमारे मुल्क में बिटवीन पीपल हु यू नो आर हु हैव डिफरेंट थॉट्स एंड बिलीव्स. कोई भी मेरे ख्याल है दो मुसलमान पाकिस्तान में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी सोच एक जैसी होगी मज़हब को लेके. एवरीबडी विल हैव डिफरेंट रेंजेस ऑफ ओपिनियंस. मैं सर ढकती हूँ नहीं ढकती हूँ, मैं दुपट्टा लेती हूँ नहीं लेती हूँ, मैं अपने बच्चे कैसे पाल रही हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ या 3 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती हूँ. अब इसमें सही क्या है गलत क्या है हम सबको पता है, मगर वेरिएशन बहुत है. अब आप क्या कहेंगे, ये जो नहीं कर रहा उसको आप बिल्कुल वो कर दें? इट्स अ वेरी इट्स अ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट टू मेक आई फील. ये जब मैंने स्टेटमेंट देखी मुझे पता चला, मेरी ना हमेशा इस तरह की कोई भी चीज़ होती है और आई थिंक पब्लिक का भी यही है, वो हमेशा इसको कनेक्ट करते हैं जुनेद जमशेद साहब के साथ जी. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, क्योंकि ऑब्वियसली जुनेद जमशेद का जो सुपर स्टारडम था और जितने बड़े वो आइकॉन थे, आई थिंक हमारी रीसेंट हिस्ट्री में शायद जुनेद जमशेद के अलावा किसी बड़ी एग्जाम्पल नहीं जी, मिलती कि जिन्होंने अपना करियर स्विच किया जी. और फिर किस तरह से उन्होंने अपने आप को इवन टिल हिज लास्ट ब्रेथ अपने आप को कैरी फॉरवर्ड किया अपने रिलीजन के साथ जी. अब आप देखें, मैं सोच रहा था टिल हिज लास्ट ब्रेथ जुनेद जमशेद वाज स्टिल एफिलिएटेड विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर इट, ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर इट, ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड फॉर इट, बिल्कुल. एंड उन्होंने बेतहाशा रमजान ट्रांसमिशंस की, बहुत खूबसूरत किस्म की उन्होंने रमजान ट्रांसमिशंस की, बहुत उन्होंने अच्छे मैसेजेस के साथ बड़े सेंसिटिव सेंसिबल तरीके के साथ की. और मुझे याद है कि उस टाइम आई थिंक मैंने और आपने एक बार रमजान ट्रांसमिशन पर बात भी की थी कि वसीम बदामी और जुनेद जमशेद जिस तरह की रमजान ट्रांसमिशंस करते हैं, दैट शुड बी सॉर्ट ऑफ अ बेंचमार्क. उन्होंने बेतहाशा बहुत खूबसूरत नात उन्होंने रिलीज की, हम्द सना उन्होंने रिलीज की, जो कि अभी तक लोगों में बहुत मकबूल हैं, सुनी जाती हैं, बहुत अप्रिशिएट की जाती हैं. उन्होंने बीच में एक गाना भी रिलीज किया, अगेन एक पेट्रियोटिक गाना सलमान अहमद के साथ. सो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप जुनेद जमशेद साहब जैसी एग्जाम्पल फॉलो करें, ये अनाउंस कर देना सीधा सीधा कि यार के, एंड उसके ऊपर एक ठप्पा लगा के ये लिख के कहना कि प्योरली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस. तो क्या आज हम ये सब समझें, हम सब ये समझें कि जुनेद जमशेद साहब जो अपनी उम्र के लेटर हाफ में करते थे वो गलत था सब? क्या वो रिलीजियस रीजंस की वजह से नहीं कर रहे थे? ही वाज एन एक्सीलेंट प्रीचर, उन्होंने बहुत अच्छे, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई उनकी, ठीक है होती हैं. अब जैसे आपने कहा कि इवन मजहब को लेके दो लोग एक तरह की सोच नहीं रख सकते, in by and large the impact that he had in the latter half of his life wo unke musician hone se bhi badhke hai aur wo sara impact unka
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हुआ. बिल्कुल. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके के ये स्टेटमेंट पास कर देना कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, मुझे एडवर्टाइजर्स अप्रोच ना करें. हाँ, लेकिन अगर कोई कैंपेन मेरी समझ में आती है तो वो कैंपेन में कर लूंगा. What kind of messages are you giving? Exactly. दूसरा जो I think Natasha Beg ने भी जो musician है उन्होंने भी comment किया, मैं उनकी पूरी बात तो नहीं यहाँ पे दोहराऊंगा, लेकिन जो उन्होंने बात की के in doing this के यार I'm leaving it purely because of religious reasons, आप एक तरह से ये insinuate करें कि बाकी कोई भी religious नहीं. नहीं, वो कह रहे हैं you're making us out to be villains. हम सब बाकी villains. हम गलत कर रहे हैं. तो जैसे कि आपने कहा कि हमने किसी के दिल के अंदर झांक के नहीं देखा. अगर कोई बंदा फर्ज करें कि फजर की नमाज नहीं पढ़ता और चार नमाजें पढ़ता है, कोई बंदा जो है वो कोई नमाज नहीं पढ़ता जी. कोई बंदा जो है, अब उसका कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि यार कि जो नमाजें वो नहीं पढ़ता उसके ऊपर उसकी पकड़ नहीं होगी. बिल्कुल. पकड़ करेगा कौन? अल्लाह. अल्लाह करेगा. अल्लाह करेगा ना पकड़, इंसान तो नहीं पकड़ करेगा. हाँ, क्या उसको पांच नमाजें पढ़नी चाहिए? जरूर पढ़नी चाहिए. आप किसी से भी पूछें, कोई भी बोलेगा यार कि जो आपके फराइज है आप अंजाम दें. इसी तरह कोई अगर काम हराम है, कोई मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि आप हराम काम जरूर करें, आप सोर खाएं. कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ जी शराब पीना बहुत अच्छी चीज है. बिल्कुल. इसी तरह जो म्यूजिक है इसके ऊपर उलमा की राय, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट. जाती तौर पे मैं तो कोई म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन वैसे भी नहीं कि मैं इस पे कोई मैं रिसर्च करूं जाके, और मेरा जो जिंदगी का जो दारोमदार है रूटीन है वो म्यूजिक के बगैर. अब्दुल्ला ने बहुत एक बड़ा सूफी मेडली किया था. हाँ. उसमें क्या हर्ज है? मतलब मुझे तो नहीं समझ आया. मुझे नहीं, मैं हाँ, मुझे नहीं पता. वही बात है ना कि बहुत ज्यादा बड़ी कॉन्वर्सेशन है. आप सदियों से देखते आ रहे हैं कवालियां, लोग कवाली गाते हैं जी जी, हम तो सना पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल किस्म की पोएट्री भी होती है, सूफीज्म है, ये बहुत सारी चीजें हैं. इसके ऊपर मैं और आप बैठ के यहाँ पे फतवे नहीं जारी कर सकते. हम तो एक्सपर्ट्स नहीं है. हम एक्सपर्ट्स नहीं कि हम इसके ऊपर. बिल्कुल. लेकिन हमें ये समझ आती है बात कि ये कहना जो है ना ये सही नहीं है. ये कहना कि अब किसी के दिल के अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी है, अगर चले ये बात आपने एक सेकेंड के लिए हम इस डिबेट में नहीं जाते और हम अब्दुल्ला कुरैशी साहब का जो लग रहा है कि पर्सपेक्टिव है उसको सामने रखते हुए कि जी म्यूजिक हराम है, म्यूजिक परसू नहीं करना चाहिए जी, ठीक है. लेकिन आप जब ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि यार मैं तो नहीं परसू कर रहा रिलीजियस रीजंस की वजह से, तो आपने एक तरह से ये दरवाजा खोल दिया ना कि यार जो कर रहा है भाई वो सब हराम काम कर रहा है. काम कर रहा है. बिल्कुल यही तरीका है. यही है बिल्कुल. तो दिस इज नॉट अ गुड वे फॉरवर्ड. नो, इट्स नॉट अ गुड वे फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली नॉट. अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल. आप छोड़ दें, खामोशी से छोड़ दें. अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, आप दुआ करें कि अल्लाह बाकियों को भी हिदायत दे दे. किसी को कब हिदायत मिलती है, कौन क्या जानता है. कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि हिदायत लेके गायब होते हैं और रिलीजियस रीजंस की वजह से गायब होते हैं, पर वापस आ जाते हैं. हाँ. खामोशी से. नहीं, जुनैद जमशेद साहब के साथ भी हुआ है. उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड कि यार कि मैंने छोड़ा फिर मैं वापस आया. हाँ. मैंने दाढ़ी बढ़ाई, दाढ़ी शेव कर दी, फिर मैं वापस आया. इट इज अंडरस्टैंडेबल. सो बट आप कह रही है कि अगर 3 महीने का वक्फा था तो 3 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने पूरी जर्नी ये तय कर ली, जिसको हमारे सामने एक एग्जांपल है जुनैद जमशेद साहब को सालों लगे. बिल्कुल. मेरा तो ख्याल है कि रिलीजन इज वेरी पर्सनल. मैं इसको अनाउंस इस तरह करके क्या कर रहा हूं. दूसरी चीज है, आप अपने एक्शन से आप अपनी मोरालिटी एस्टैब्लिश करते हैं. किसी को भी किसी भी वक्त अल्लाह हिदायत दे सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना. ये देखे ना, अब इसमें उनका पास्ट क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है. मैं उनकी इंटेंशन को बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा. हो सकता है वो जेन्युइनली ही, मुझे तो चले, बल्कि हम किसी के बारे में क्यों डाउट करें, हम बात पूरी ये कर रहे हैं. लेट्स से कि वो जेन्युइनली यही सोचते हैं जो उन्होंने लिखा है, इसमें हम उनकी नीयत को नहीं क्वेश्चन करेंगे. बट अगर वो इस तरह सोचते हैं, उन्होंने खुद ये दरवाजा खोल दिया ये बात करके. हम अभी पिछले वनीजा की जो सारी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की जो बात कर रहे हैं, पब्लिक आय में होने की बात कर रहे हैं, जब आप इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आप दूसरों को रोक नहीं सकते उसके ऊपर बात करने में. अब हमजा अली वासी साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने अपना एक लिंक शेयर किया. उन्होंने कहा जी कि मैंने जो रिसर्च किया है उसके मुताबिक म्यूजिक इज नॉट कम्प्लीटली हराम. हम इस डिबेट में नहीं जा सकते, ना आप आलम है ना मैं आलम. अली साहब के साथ उन्होंने पिछले 4 साल से उस पर भी, मैंने वही कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में तो और हम इस पे जा भी नहीं रहे. हम सिर्फ ये बात करें कि जब आप ओवर्टली एक अनाउंसमेंट इस तरह की कर देते हैं तो आप दूसरों के बारे में फिर जो छोड़ के तासुर छोड़ के जाते हैं वो एक फ्लड गेट्स खोल देता है. आप तो सब दोज़खी हैं. लिटरली. आप दोज़खी हैं.
और हकीकत यह है कि जन्नत तो, अब इस पे लोग कहेंगे यार कि किसी को आप नेक हिदायत क्यों ना दो, जरूर दो भाई। लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर कोई नेकी की हिदायत दे रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने अपना ये स्टेटमेंट शेयर किया है, शायद वो ज्यादा लोगों की मोटिवेशन के लिए शेयर किया हो कि यार कि मेरे इस एक कदम उठाने से शायद दूसरे लोग मोटिवेशन लें। ठीक है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो सारे पर्सपेक्टिव्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में फायदा होने से ज्यादा कुछ इकदाम जो है वो नुकसान ज्यादा करते हैं। अब फिरोज खान साहब हैं जी, उन्होंने आप ही के इंटरव्यू में गालिबन पहली बार ये अनाउंस किया था कि उनके शेख ने उन्हें ये कहा है कि आप छोड़ दें इंडस्ट्री, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। बाद में गालिबन आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने दोबारा ऐलान किया कि वो वापस से काम करेंगे जी, और उन्होंने यही कहा कि उनके शेख ने उनको कहा है कि आप काम करने की इजाजत दे दी जी, राइट जी। सवाल ये बनता है कि उनको पहले अनाउंस करने की क्या जरूरत, क्या जरूरत थी? मौकरी बन गई, मौकरी बन गई ना, आपकी मौकरी बन गई। एक इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर आपने बात की है इतने, तो आप उसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? और फिर आपने लोगों का वही जो आप एक पब्लिक में आके बात करेंगे, लोग तो पूछेंगे आपसे। बिल्कुल, हमजा अली अब्बासी साहब जी, अनदर रीसेंट एग्जांपल जी, but I think he never said that he, no he, he never he said nobody watched my video, it was a long video, but I said because now there's wo promotions kar rahe hain to ye baat bahut ho rahi hai, wo bar bar ye baat repeat kar rahe hain ki maine ye nahi kaha tha main chhod raha hu religious reasons ki wajah se, unne kaha tha ki main ek self discovery ke path pe hu, main jo I want to read and I want to write, so I'm taking a break but I will be back, aur unne kaha I'm back now, unne kaha maine kya kiya 4 saal mein, maine study kiya, maine meri spiritual awakening hui, I found religion, I found the right path, मैं गांधी साहब से बहुत उन्होंने सीखा और उन्होंने क्या कहा, किताब लिख रहे हैं, किताब लिख, he's writing a book about what his understandings are on religion which he's releasing this year, so उन्होंने कहा वो कर ली है, मैं I'll be back, but even Hamza then made a video right, जी, did he really need to make that video that one, no, not at all, but to his credit he didn't say that he was leaving because of religious reasons. He said, I'm just stepping back a bit. जैसे आज करण जौहर ने भी कहा, I'm quitting Twitter. Is he? Yes. He said, I'm getting off Twitter. It's too toxic. Hmm. I need sanity in my life. I need to detox. तो लोग अनाउंस करके goodbye करते हैं, ठीक है? करते हैं. Press अगर कोई करता है तो वो भी ठीक है. लेकिन in that process. But religion is just a very sensitive subject. मेरा problem जो है ना वो religious basis पे करना है कि वो बहुत sensitivity उसमें पूरी हो जाती है. राबी भी ज़्यादा साहबा उनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी और उसके बाद उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो इसका हिस्सा नहीं और उन्होंने उनके ऑब्वियसली विजिबली भी बहुत चेंज आया उनके साथ। सनम चौधरी साहबा हैं, उन्होंने भी छोड़ा। मोस्ट प्रोमिनेंटली नूर बुखारी इंडिया में, ज़ायरा वसीम, ज़ायरा वसीम उन्होंने भी अनाउंस किया था। उन्होंने कहा कि मेरा मजहब इजाज़त देता है, आई एम लीविंग। सारा खान है इंडिया में जो, सना खान, आई थिंक इफ आई बिलीव आई एम नॉट रॉन्ग। नूर बुखारी पाकिस्तान में हैं, उन्होंने भी शोबिज को खैर बात कहा। सो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। मेरा सवाल ये है आमना आपसे कि जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट वो अनाउंसमेंट से आता है या वो आपके अनाउंसमेंट और नो अनाउंसमेंट उसके बाद जो आपका रवैया होता है और जो आपके एक्शंस होते हैं उससे आता है? उससे आता है मेरे ख्याल में, आपके हमेशा रवैये से आता है, रवैये से आता है ना, आपके आपके एक्शन से आता है। बिल्कुल, और उससे बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, नहीं, जो आपकी जात से, जो आपके एक्शन से, जो आप जो करके दिखाते हैं लोगों जी। तो मेरे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं उन लोगों से डिसएग्री नहीं कर रहा जिनको ये लगता है कि अब्दुल्ला कुरैशी ने अगर अनाउंस कर दिया तो क्या गलत किया, बट मुझे ये लगता है कि अनाउंसमेंट कर देना एक इतनी बड़ी चीज के बारे में वेयर या तो आप बहुत ही अपने आप के ऊपर आपका काबू है, आप 100% सर्टन है, श्योर है कि यार कि आप उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट मुझे लगता है कि कोई इंसान उस दर्जे पे, उस लेवल की जो समझ है या अपने अंदर एक जो जज्बा है वो क्रिएट नहीं कर सकता इतनी आसानी से। दोबारा जुनेद जमशेद साहब की एग्जाम्पल देने लगे, पूरी जिंदगी लग गई उन्हें वो बैलेंस मेंटेन करते हुए। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर? इससे बेहतर नहीं है कि आप जो करने जा रहे हैं आप वो करें,
लोग खुद ब खुद आपको देख के कहें यार कि माशाल्लाह आपके अंदर बड़ी बड़ी खूबसूरत तब्दीली आ गई, बिल्कुल, और लोग आपकी एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल, जैसे हम अक्सर आजकल हदीका कयानी साहिबा की बात करते हैं, उन्होंने अनाउंस करके तो नहीं कहना कि अच्छा मैं फ्लड रिलीफ अप करने लगी, बिल्कुल वो कर रही है तो हमें सबको नजर आ रहा है यार, वो कितना जबरदस्त, अच्छाई नजर आती है, अच्छाई नजर आती है, बुराई भी नजर आती है, बुराई भी नजर आती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात है आई थिंक इसके ऊपर बिल्कुल सही है, क्लोज करें जी। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है तो हम चाहेंगे कि आप भी उस सेंसिटिव को, सेंसिटिविटी को और सेंसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, और इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब अपने अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि अच्छे मुसलमान बने, अच्छे से अच्छे मुसलमान बने, बेहतर से बेहतर मुसलमान बने। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान होगा जो इस बात पे खुश होगा कि जैसा मैं मुसलमान हूँ मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। नहीं, मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगी, हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत से मुसलमान नहीं भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मैं इस वक्त मुसलमानों को अब मुसलमानों को एड्रेस करें, ऐसे भी बहुत हमारे मुसलमान बैठे हैं मस्जिदों में जो कि हुआ द गार्डियंस ऑफ रिलीजन एंड देयर कमिटिंग एट्रोशियस क्राइम्स इन मदरसाज एंड मॉस्क, तो ऐसी बात नहीं है, और वो क्या सोच के कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मज़हब के उसमें ही कर रहे हैं। सो आई वुड डिसएग्री विद यू अ लिटिल बिट, बट वट आई वुड स्टिल लाइक टू से इज़ कि रिलीजन इज़ पर्सनल, आपने जो पब्लिक में अपना डालना है वो अपने 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 अमाल दिखाने हैं, अपनी बिहेवियर से आपने लोगों को विन ओवर करना है। उरूज नासिर साहिबा भी एक हमारी थी सेलेब्रिटी, उन्हें काफ़ी सारे सेलेब्रिटीज़ हैं, काफ़ी सारे सेलेब्रिटीज़ हैं, अगर आप वो लिस्ट निकालने बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपना पर्सनल लेवल पर एक बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा शायद जो ये बोले कि यार कि मैं एक मुकम्मल मुसलमान बन गया हूँ, हर कोई कोशिश करता है कि वो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाए, बुराइयों से जितना दूर हो सके हो, बट नोबडी इज परफेक्ट, राइट, दैट इज द स्ट्रगल, दैट इज द स्ट्रगल, इसीलिए हम दुनिया में आए हैं कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर, और दूसरों पे तनकीद वो करें जो खुद परफेक्ट है और नहीं है कोई भी। बट ये मुझे लगता है कि ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप अपने आप को छोड़ के दूसरों के पॉइंट आउट करने शुरू करें, बिल्कुल, आपको अगर हिदायत मिल गई, आपको आप अच्छाई की तरफ रागिब हो गए, यार दैट्स ग्रेट, वेरी वेल, दैट्स ग्रेट, बट अगेन पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि भाई वो आप जब करके दिखाएंगे ना, हाँ, लोग बोलेंगे यार माशाल्लाह, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू नो, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन जी। थैंक यू वेरी मच, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। आपने मेरी एक बहुत क्यूट सी वीडियो होपफुली कल देखी होगी, BTS विद द नट्स एंड द जट्स, कल आई होगी ना, क्योंकि ये वेंसडे को हमारा आ रहा है तो ट्यूसडे को उम्मीद देके चल गई होगी वीडियो, और लोगों ने एंजॉय किया। हाँ, ये मौला जट रिलेटेड, वेरी गुड आमना जी, वेरी गुड जी, उम्मीद है आप भी कुछ मौला जट से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। मैं क्या करूं, आप एक बहुत लंबे मौला जट, लगता है आपने बॉयकॉट कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग होती, क्या हुआ सर, मैं मुझे बताया मैं क्या करूँ, आप मुझे लेके नहीं गई, अब तो प्रीमियर भी हो चुका यार, आपको कुछ तो करना चाहिए, आपने कुछ भी नहीं किया ना, आप किसी का इंटरव्यू किया ना, आपने कोई मतलब, मैं रिव्यू करूंगा आपके साथ, अब मेरे ख्याल आपको करना पड़ेगा जी, रिव्यू करूंगा। 2.5 घंटे की फिल्म है जी, 13 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, 2 hours and 31 minutes उसका रन टाइम है, और गाना उसमें एक है, परफॉर्मेंस, इफ देयर आर नो सॉन्ग्स इन द फिल्म, इट्स एन एक्शन हैवी फिल्म, 2 घंटे 31 मिनट विद वन सॉन्ग, वाओ, विद वन सॉन्ग, इट्स एन एक्शन हैवी फिल्म, इट्स गॉट अ स्टार कास्ट, इट्स आई थिंक द हाईएस्ट बजट film ever made in Pakistan, and it's a big project. ठीक है, अपने आंखें और कान खुले रखिएगा, मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।